सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम जो जैकहैमर मशीन बनाने के लिए यहाँ पे दो लकड़ी के टुकड़े ले रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो फ्रेंड्स इसकी इस टाइप से आपको ले लेना, दो एक लंबा होगा एक छोटा वाला टुकड़ा होगा। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इस प्रकार से एल आकार में जोड़ना है। ठीक है, तो एल आकार में जोड़ने से पहले हम इसमें एक स्क्रू कसेंगे। जो स्क्रू कसने के लिए हम पहले सबसे पहले इसमें होल करेंगे। तो होल करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ड्रिल मैंने खुद ने बनाई है, छोटी वाली। अगर आपको देखना है कैसे बनाई तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये मशीन, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा मैं। तो वहाँ पर आपको जाकर देख सकते हो कि हाउ टू मेक ड्रिल मशीन। तो ये बहुत बढ़िया है, मैं इसका यूज़ करता हूँ हर वीडियो में। तो फिर यहाँ पर मैं होल कर देता हूँ इसमें, एक में तो मैंने कर दिया होल। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नीचे वाला होगा इसको ऊपर रखकर इसके मार्क लगाकर सबसे पहले मार्क ले लेंगे इसका ड्रिल मशीन से। और उसके बाद जो क्या करेंगे हम इसमें भी खड़ा थोड़ा खड़ा करके ऊपर से होल कर देंगे जिससे हम इसमें स्क्रू कस देंगे आराम से। तो फ्रेंड इसमें हम होल कर देते सबसे पहले। तो फ्रेंड ये हमने होल कर दिया इसके अंदर, और अब हमें क्या करना है, इसमें स्क्रू कसना पड़ेगा एक, ताकि ये अच्छे से जॉइंट हो जाए इसके लिए। तो हम दोनों इसको ऊपर एक दूसरे को ऊपर रख देंगे इस टाइप से। इसके बाद एक स्क्रू लेंगे जो कि हमारा 4-point स्क्रू है ब्लैक कलर का। अगर दूसरा आपके पास दूसरा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें। और इसके स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम इसमें कस देंगे यहाँ पर। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट कस देंगे जिससे हमारा बार बार हिले ना। और अगर फिर भी अगर आपका थोड़ा ढीला लग रहा है आपको ये दोनों जॉइंट, तो इसके ऊपर फेविक्विक डाल दीजिए ताकि वो मजबूती से चिपक जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पेन लेंगे। तो इस पेन को रिफिल हमें नहीं चाहिए, और इसके आगे का ढक्कन भी हम खोल देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस जगह से कट करना है। ठीक है, आगे से हमारा जो रबर है उसके पीछे से थोड़ा कट कर लीजिए इसको। तो ये मैंने कट कर लिया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने लोहे के रोड ली है, तो इस टाइप की आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, इस टाइप की लोहे की रोड लिए सीधी। ठीक है, उसके बाद जो इसके पीछे एक मैंने प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दिया है यहाँ पे गोल आकार का, जिसे आप देख रहे हैं। आपको मिल जाएगा या फिर नहीं मिलता तो आप प्लास्टिक का ऐसा कुछ काट कर लगा दीजिए इसके पीछे गोल आकार का। ठीक है, इसके बाद जो रोड लिया आपने इस टाइप की लेनी है आपको, इतनी मोटाई लेनी है इसकी कि जो हमारा पेन है इसके आराम से इसके आगे पीछे मूव करने लगे। ठीक है, आराम से हिल सके, मूव कर सके। इसके बाद जो हमने एल आकार का जो हमारी चेसिस बनाई है इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे इस टाइप से फेविक्विक के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिल्कुल सीधा रहे और ये आगे पीछे मूव करने के लिए इसमें आराम से जगह होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा नीचे की साइड में आपको फेंकी के द्वारा इसको चिपका लेना है। तो मैंने इसको चिपका लिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए ये हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर मोटर फिक्स करेंगे हम। ठीक है, तो मोटर को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे इसकी जगह पर, और जो हमने हमारी रोड है इसको इस टाइप पर यहाँ पर लगाएंगे। और इसके बीच में जो कनेक्टर है वो मैंने इसके बनाया है यहाँ पर एक खुद ने। तो फ्रेंड ये मैंने एक लोहे की रोड ली है, उसके आगे और पीछे की साइड में मैंने एक स्क्रू लगा दिया है सोल्डरिंग वायर के द्वारा। सोल्डर से मैंने इसको गर्म करके यहाँ पे जो इसका वायर है उसको पिघलाकर इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। मैंने आपके सामने इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो तो आराम से हो जाएगा। ये आगे एक स्क्रू और पीछे एक स्क्रू लगाना, और बिल्कुल सीधा लगाना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो ये हमारा है रोड, इसको इसके अंदर डाल देंगे हम यहाँ पर, और मोटर को यहाँ पे फिक्स करेंगे, और इसको जो हमारा कनेक्टिंग शाफ्ट बनाई हमने इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो फिक्स करने के लिए हम जो है हमारा मूव करनी चाहिए, हमारी कनेक्टिंग शाफ्ट जो है मूव करनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इसको, और जो हमारी एक कील लेंगे हम कील को इस टाइप से यहाँ पर लगाएंगे इस टाइप से, और ये हमारा आगे पीछे की तरफ मूव होना चाहिए। और जिसकी जो हमारी कील है, तो ये फ्रेंड बहुत लंबी कील, तो इसको कट करना होगा हमें। तो यहाँ पर हम इसको इसका नाप ले लेंगे सबसे पहले, और इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी शाफ्ट है इसको स्क्रू एक स्क्रू में लाकर इसमें ऐसे फंसा देंगे, और यहाँ पर इसको फेविक्विक के द्वारा चिपका देंगे इस टाइप से, और ये हमारी मूव करती रहेगी यहाँ पर। तो और आपको एक और बता देता हूँ मैं, इसकी जो आगे की नीब है उसको मैंने तीखा कर लिया है यहाँ पर, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उस टाइप से मैंने इसको चपटा थोड़ा आगे से घिस दिया आगे से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस टाइप से चिपका देंगे हम, जो हमारी कील है इसको चिपका देंगे। लेकिन हमारी जो कनेक्टिंग शाफ्ट है वो हमारी मूव करनी चाहिए, वो चिपकनी नहीं चाहिए फेविक्विक के द्वारा। तो इसको यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे। तो ये मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया है, ये हमारा मूव भी कर रहा है आराम से इस टाइप से। आपको ध्यान रखना है फेविक्विक के द्वारा ये चिपक ना जाए,
इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मोटर है, मोटर की जो शाफ्ट आगे की दिख रही है, इसको जो कनेक्टर होता है शाफ्ट का, वो लेंगे हम एक यहाँ पर। अगर ये आपके पास कनेक्टर नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक का चीज़ भी ले सकते हो जो हमारी मोटर की शाफ्ट के आगे लग जाए, ठीक है। इसके बाद जो मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर दिया आगे से, और ये यहाँ पे इसको इस टाइप से मैं चिपका दूंगा। तो इसको चिपकाने से पहले जो हमारी केबल टाई जो होती है उसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। केबल टाई आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक की शॉप पे जाके बोल दीजिए इलेक्ट्रिक केबल टाई चाहिए मेरे को, तो वो आपको दे देगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इस टाइप से हम इसके अंदर जिप होती है तो उसमें फंसा कर इसको हमारा टाइट हो जाएगा, और इसको यहाँ पर लगा कर इसमें फिट कर देंगे हम। तो फ्रेंड ये मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है, यहाँ पर अच्छे से टाइट कस दिया केबल टाई को। उसके बाद यहाँ पे एक फेविक की एक मैं बूंद डालता हूँ ताकि ये बार बार हिले ना। अगर ढीला हमारा इसमें बहुत प्रेशर पड़ेगा इस जगह पर, तो यहाँ पे फेविक से अच्छे से चिपकाना होगा। लेकिन जो हमारी कनेक्टिंग शाफ्ट है उसको बिल्कुल नहीं चिपकनी चाहिए, वो मूव करनी चाहिए ताकि हमारा ये आगे पीछे जो हमारा मूव करेगी हमारी रोड जो है, ठीक है। इसको यहाँ पर अच्छे से चिपका देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पर पूरी जो शाफ्ट है ऊपर से नीचे तक की हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे इसमें फिट कर देंगे। तो इसको यहाँ पर जो हमारा पेन का था आगे का नीब उसको अंदर डाल देंगे यहाँ पर, और जो हमारी मोटर है मोटर को फिट कर देंगे इस टाइप से ताकि मोटर हमारी घूमेगी और ये हमारा ऊपर नीचे होके होल्ड करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको मोटर में यहाँ पे फिट कर देता हूँ मैं कनेक्टिंग शाफ्ट को, और इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे केबल टाई जो होती है हमारी उसी के द्वारा इस मोटर को यहाँ पे फिक्स करूँगा। तो फ्रेंड इसका यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा अगर मोटर हमें वापस किसी दूसरी जगह पे लगाना हो तो आराम से हमें मिल जाएगी। अगर फेविक से चिपकाऊंगा तो मोटर अच्छे से चिपक जाएगी तो हमारा मोटर को नुकसान भी हो सकता है। तो मैं इसका यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि अगर हम मोटर चाहिए तो केबल टाई को कट कर देंगे और हमारी मोटर वापस ऐसे कैसे मिल जाएगी हमें। और फ्रेंड जो इसका अब मैं प्लायर से कट कर दिया यहाँ पर, इस टाइप से हम इसको पकड़ लेंगे यहाँ पर, और जो हमारी मोटर है इसकी शाफ्ट गोल गोल घूमेगी यहाँ पर। तो घूमने से क्या होगा, जो हमारा ये आगे की शाफ्ट है झटके से ऊपर नीचे होगी जिससे हमारा दीवार होगी उसमें। उसको हम ट्राई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हम मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ये जो हमारा 12 वोल्ट का चार्जर है, तो फ्रेंड जो ये 12 वोल्ट देता है और 2 एम्पियर का हमारा ये चार्जर है। तो आपको यहाँ पे शाफ्ट नहीं दिख रहा क्योंकि ये घिस चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 12 वोल्ट और 2 एम्पियर बाहर निकालता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी बैटरी से भी इसे चला सकते हो। 12 वोल्ट की बैटरी जो होती है वो 7 एम्पियर निकालती है। तो फ्रेंड इसको हम 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा 12 वोल्ट का उससे भी हम इसे चला सकते हैं। तो आप किसी से भी चलाए, लेकिन ये बस 12 वोल्ट चाहिए और एम्पियर ऊपर नीचे हो सकता है। तो फ्रेंड ये जिसमें मैंने बटन इसलिए लगाया क्योंकि बंद चालू करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे फीमेल पोर्ट लगा रखा 12 वोल्ट का, ताकि जो हमारा है इसको कनेक्शन हम डायरेक्ट कर सकें और इसे बाहर निकालते ही हमारा ऑफ हो जाएगा, और इसे हम जैसे हमारा जो पिन है इसको लगाते से हमारा मोटर चालू हो जाएगा। तो हमें इसके बटन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और इसको हम आपको चला के दिखाता हूँ आपकी बार। तो फ्रेंड इसको मैं यहाँ पर चलाने के लिए जो हमारी दीवार है घर की उसके ऊपर चला रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी दीवार पर होल करने लगी है। तो फ्रेंड जैसे ये दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन इसके ऊपर ये आराम से होल कर दीजिए। मैं इसमें ज़्यादा गहरा होल नहीं करूँगा क्योंकि फ्रेंड घर वाले डांटेंगे वैसे ही। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। अगर कुछ समझ में ना आया वीडियो में तो वीडियो के नीचे कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा आपको समझाने का। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो कोई सी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, जय हिंद, जय भारत।